कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को प्रदेश सरकारें वापस भेजने की दिशा में सक्रिय है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी दूसरे प्रदेशों के प्रवासियों को वापस भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत जिला प्रशासन ने सिंधी केएम बस स्टैंड पर जयपुर में फंसे करीब 209 बिहार प्रवासियों को अजमेर भेजा, जहाँ से सभी मजदूरों को ट्रेन के जरिए बिहार भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूर जो कि राजधानी जयपुर में फंसे हुए, उनको भेजने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा करीब 5 बसों से 209 मजदूरों को अजमेर स्टेशन छोड़ा जाएगा, जहां से वाया ट्रेन वो बिहार पहुंचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मजदूर है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा किया गया है। सभी मजदूरों को यहाँ पर सामान सहित यहाँ पर खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे वो अपना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टेस्टिंग हो रही है, मेडिकल की टीम भी बैठी हुई है जो लगातार यहाँ पर टेस्टिंग भी कर रही है, क्योंकि जो प्रत्येक मजदूर है उसकी टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हम हमारे साथ SDM युगांतर शर्मा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि सर कितने मजदूर हैं और किस तरह से क्या जानकारी लेकर इनको यहाँ से भेजा जा रहा है। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने ई मित्रा पोर्टल पर अपने गृह राज्य में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ऐसे 209 लोग हैं, हमारे पास 209 लोगों की जगह थी। ये अभी जयपुर से अजमेर भिजवाए जा रहे हैं, 4 बजे की ट्रेन से ये फिर बिहार के लिए अजमेर से रवाना हो जाएंगे। सर करीब कितने मजदूर, क्योंकि 209 की लिस्ट मिली है, क्या कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन यहाँ पहुँचे हों? इस तरह के कोई मजदूर नहीं है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो। अधिकतर मजदूर ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। अभी कुछ लोग जो आप खड़े हुए देख रहे हैं उनके पास हमारे यहाँ से फ़ोन नहीं गया था, वो अपने कोई अफवाह कह दें या अन्य सूत्रों से उनकी जानकारी अनुसार वो यहाँ पर आ गए कि यहाँ से बसें जा रही हैं। उनको ये समझा दिया गया है, वो अभी गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे कि जब आपको हमारे ऑफिस से फ़ोन आएगा तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं आपकी SDM युगांतर शर्मा जी ने भी बताया कि जो मजदूर हैं जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ई मित्र पोर्टल पर करा रखा था वो उनको ही भेजा जा रहा है। साथ ही मेडिकल टीम है उनसे बात करेंगे कि किस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं टेस्टिंग के दौरान। इन लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, स्क्रीनिंग के अंदर इनके साइन सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं, साथ ही टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मामीटर के जरिए, जो ठीक है उसके बाद में इनको फ्री किया जाता है। बिल्कुल वही जो थर्मल स्क्रीनिंग का एक जो स्क्रीनिंग का एक कदम है, जो शुरुआती स्क्रीनिंग की जाती है वो की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो 5ों बसें हैं वो लगभग तैयार हैं, जो मजदूर हैं जाने वाले वो भी बसों में बैठे हुए हैं और जो कुछ मजदूर बचे हैं उनको टेस्टिंग के बाद उनको इस बस में बैठाला जाएगा और अजमेर के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके बाद अजमेर से करीब 4 बजे की ट्रेन से इन सभी मजदूरों को बिहार भेजा जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऋषभ पांडे, 1 TV न्यूज़, जयपुर।